Hello students, let's see this question. The question says match the items of the column first with column second and choose the correct option from the codes given below. So पहला कॉलम में आपका लिखा हुआ है केरियस मेथड, ए में लिखा है केरियस मेथड. सो केरियस मेथड जो होता है वो हैलोजन्स के लिए एंड सल्फर के एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है. सो अगर मैं यहां से देखूं तो यहाँ पे कॉलम टू के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड is heated with fuming nitric acid in the presence of silver nitrate. So, ये जो information जो given है कि आप fuming nitric acid के साथ में heat करते हो और फिर silver nitrate डाल देते हो, so ये जो reagent इस्तेमाल होते हैं for the estimation of halogen. और halogen की estimation हम कैसे करते हैं? Carrier's method के through. ठीक है, तो A का match हो जाएगा first से, one से. ठीक है, A का match हो जाएगा one से. तो यहाँ पर जो halogen निकल के आते हैं वो आपके हेलाइड्स के फॉर्म में निकल के आते हैं, सिल्वर हेलाइड्स के फॉर्म में. ठीक है, डी में लिखा परसेंटेज ऑफ सल्फर. परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर जो एस्टिमेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में होता है. तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने का फॉर्मूला होता है 32 डिवाइडेड बाई 233 मल्टीप्लाइड एम वन इज द मास ऑफ द बेरियम सल्फेट एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एम मल्टीप्लाइड बाई द 100%. ठीक है, सो सल्फर को निकालने का ये परसेंटेज का फॉर्मूला, यानी कि बी का मैच हो जाएगा 4 के साथ में. ठीक है, यहाँ पे 32 होता है मोलर मास ऑफ सल्फर होता है एंड 233 मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट होता है. सी में देखते हैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस. ठीक है, तो फास्फोरस को निकालने के दो तरीके हैं, या तो वो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, या फिर उसे हम मैग्नीशियम मिक्सचर के हेल्प से अमोनियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करें, जिसको फर्दर अगर आप हीट करोगे तो Mg2P2O4 के फॉर्म में वो मास के फॉर्म में निकल के आता है. ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस में तो 62 देख रहे हो, तो फॉस्फोरस का जो मोलर मास होता है वो 31 होता है, तो डबल कर दोगे तो 62, यानी कि ये यहाँ पर आप मिल्क मैग्नीशियम मिक्सचर के फॉर्म में फॉस्फोरस को निकाल रहे हो. तो 62 डिवाइडेड बाय 222 इज द मोलर मास ऑफ Mg2P2O7. ठीक है, मल्टीप्लाइड M1 इज द मास ऑफ द Mg2P2O7 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. ठीक है, सो सी का मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ में. एंड डी में क्या लिखा हुआ, परसेंटेज ऑफ हैलोजन्स. तो हैलोजन्स को हम केरियस मेथड से निकालते हैं. केरियस मेथड में जो हैलोजन्स निकल के आते हैं वो हैलाइड के फॉर्म में निकल के आते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका एटॉमिक मास होगा हैलोजन का, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन या मोलर मास ऑफ हैलोजन, जो भी कोई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सिल्वर हैलाइड AgH मल्टीप्लाइड बाय M1 दैट इज मास ऑफ द प्रेसिपिटेट AgH का जो भी मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये होता है. ठीक है, सो डी का मैच हो जाएगा 3 के साथ में. अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.